नमस्ते दोस्तों, हिंदी का जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे रिव्यू ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर, यूपीपीसीएल, इसमें हिंदी का पोर्शन होता है। इसलिए हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो शुरुआत करते हैं। अधर, अधर को कहते हैं लिप्स, यानी ओट, रदछद, ओष्ट और रदपुट, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ओष्ट या अधर, तो इसका हमें याद करना पड़ेगा। दूसरा है अधर्म, अधर्म के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अपराध, अकर्तव्य, पाप या दोष। अचेत यानी बेहोश, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो होंगे संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञा शून्य, मूर्छित, बेहोश और बेखबर। फिर है असुर, असुर यानी राक्षस, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं जैसे निशाचर। देखो निशा का जो अर्थ है वो है रात से, रात्रि से, और चर यानी चलने वाला, जो रात्रि में चलने वाला, यानी असुर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस। रजनीचर, रजनी भी अंधेरे से रिलेटेड है, और चर यानी चलने वाला, तो जो अंधेरे में चलने वाला। तमी यानी अंधेरा, और तमीचर यानी असुर, और दनुज, तो असुर के हो गए निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, तमीचर और दनुज। अश्व यानी हॉर्स, हॉर्स के जो पर्यायवाची शब्द हैं जैसे हय, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा और रविसुत। इसी तरह अमृत के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी, अमृत यानी जिसे पीकर अमर हो जाए। अभिप्राय यानी मीनिंग, इसका जो पर्यायवाची शब्द होंगे अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब और मायने। अभिजात यानी श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन या पूज्य, जैसे पुराने जमाने में श्रेष्ठ लोगों के समूह को अभिजात वर्ग कहते थे। अप्सरा, अप्सरा यानी सुर बाला। देखो सुर, सुर जो बना है वो देवताओं से रिलेटेड है, तो सुर बाला, बाला यानी जो कन्या, तो सुर बाला यानी अप्सरा। देव बाला, देवांगना, दिव्यांगना और सुर सुंदरी। फिर है दोस्तों अपार, अपार यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज्यादा, असीम, अनंत, बेहद, बेसुमार और निसीम। ऐसे ही होगा अरण्य, अरण्य यानी जंगल, वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। और अपराध का होगा कुसूर, दोष और जुर्म। इसके बाद दोस्तों करते हैं अपमान यानी डिसरेस्पेक्ट, इसका जो होगा अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर। अन्वेषण यानी रिसर्च, रिसर्च, गवेषण, खोज, जांच, शोध और अनुसंधान। अंधा, इसका है नेत्रहीन, सूरदास, चक्षु विहीन, चक्षु विहीन जिसमें चक्षु ना हो, चक्षु यानी आंखें, अंध और प्रज्ञा, चक्षु। अनेक, अनेक यानी मैनी, नाना, कई, एकाधिक, अनेकानेक। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, भाषांतर, उल्था और तर्जुमा। अनुपम, अनुपम का बना है जो पर्यायवाची है वह है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम और अनोखा। अनी सेना को कहते हैं, सेना, चूम, कटक, दल, फौज। अनार, अनार जानते ही हैं आप, जैसे दाड़िम, शुकप्रिय और रामबीज। अनाज यानी जैसे गेहूं, चावल है, इनको कह देते हैं अनाज, जैसे अन्न, गल्ला, धान्य और शस्य। अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता यानी कि टीचर। अचल, अचल यानी जो चल नहीं सकता, और ये जो पर्यायवाची है वो पर्वत का है, तो यानी गिरी, शैल, नाग, महीधर, आद्री, पर्वत और पहाड़। अधिकार, हक, आधिपत्य, स्वत्व, प्रभुत्व और स्वामित्व। अचला, अचला कहते हैं दोस्तों धरती को, वसुंधरा, वसुधा, धरती, पृथ्वी, क्षिति, धरा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसकी जो सीरीज है वो हम चलाते रहेंगे। थैंक यू।